इन चेहरों को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। यस, ये सब है एंटरप्रेन्योर। तो क्या आप एक स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर है या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज के स्टूडियो में आप लोगों को एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, जो एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड एग्जाम बच्चों में छिपी एंटरप्रेन्योर बनने के इंटरेस्ट को इनकरेज करती है और ये एग्जाम बच्चों में छिपे एंटरप्रेन्योर बनने के स्किल्स को एवलुएट करती है और बच्चों में एंटरप्रेन्योर बनने के स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आप लोगों को इंडिया के एक बिगेस्ट एंड ट्रस्टेड ओलंपियाड, जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड और उसके आउटरीच पार्टनर ईसेल आईटी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड एग्जाम के बारे में सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम का नाम है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड एग्जाम, जो कि इंडिया के बिगेस्ट ओलंपियाड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड और इसके आउटरीच पार्टनर ईसेल आईटी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस एग्जाम में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है। तो ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे इसमें तीन ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, क्लास 6 to 8, क्लास 9, 10, क्लास 11, 12। तो ये तीनों ग्रुप के बच्चों का सिलेबस अलग अलग है। जिस एग्ज़ाम सिलेबस को आप इसके रिसोर्स टैब में जाकर देख सकते हैं। तो अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसके एग्ज़ाम में टोटल 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि टोटल 50 मार्क्स के होते हैं और जिस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, जिसमें क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चन टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड सेक्शन में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड सेक्शन में केस स्टडी एंड कंप्रेहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और फोर्थ सेक्शन में हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें इंसेंटिव की बात करें तो इसमें मेडल, सर्टिफिकेट और बहुत सारे प्राइजेज दिए जाते हैं और इसमें ई सबमिट पासिस भी बेस्ट परफॉर्मर को दिए जाते हैं। तो आप भी इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और ख़ुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के वेबसाइट को ओपन करना होगा। इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का वेबसाइट है indiantalent.org। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जब ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो इसका होम पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस होम पेज पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड NEO ईसेलआईटी बॉम्बे एंड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, इस तरह से कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नो मोर है, इस नो मोर पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस नो मोर पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने एक टैब ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपको कुछ यहाँ पर इसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में अगर और आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं और खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे नीचे में है टू रजिस्टर एंड नो मोर अबाउट NEO क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो फिर से टैब ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे देखिए इस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड के बारे में और आप लोग डिटेल में जान सकते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो सारा आपको एग्जाम पैटर्न, पेपर का पैटर्न, सारा कुछ क्या डेट है रजिस्ट्रेशन का, एग्ज़ाम का डेट क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों को गाइडलाइंस वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड रिसोर्सेज टैब पे, यहाँ पर रिसोर्सेज टैब पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको अपने ग्रुप वाइज, यानी जिस भी क्लास के आप हैं तो क्लास वाइज आपको यहाँ पर सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो यही सारा कुछ था आज के स्टूडियो में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओलंपियाड एग्जाम के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक